आयोजित होने वाली स्मृति दिवस परेड पर आज देहरादून पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्य के गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान अपराध के खिलाफ लड़ते हुए उत्तराखंड पुलिस से भी 4 जवान शहीद हुए हैं, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मृति दिवस की परेड पर पुलिस कर्मियों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि देश के लोगों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करने का काम किया जाएगा। आगामी दिनों में पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ मॉडल तकनीकी से भी लैस किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड पुलिस बेहतर ढंग से काम कर सके। इसके अलावा शहीद पुलिस कर्मियों को मिलने वाली राशि के लिए भी एक फंड बनाया गया है, जिस पर सरकार 2 करोड़ रुपए जमा करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके आगे के लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं, उस योगदान करने का दिन भी और यह स्मरण दिलाने का दिन भी है। वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी सीएम की घोषणाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस महानिदेशक की माने तो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाएं उत्तराखंड पुलिस के जवानों के हौसला अफजाई करेगी और उन्हें बेहतर कार्य के लिए भी प्रेरित करेगी। देखिए, मेरे विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्ज़ाम कंपलसरी है, एसीआर लिखने से पहले ही किया जाता है, और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2000 रुपये भी अलाउड है और पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। तो कई बार जवानों में आप जानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो जवानों के वेलफेयर के लिए बड़ा कदम है।